हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गए हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे सेंट्रलाइज परचेसिंग का मतलब क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, और डिसेंट्रलाइज परचेसिंग का मतलब क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। देखिए, सेंट्रलाइज परचेसिंग के जो एडवांटेजेस होते हैं वो डिसेंट्रलाइज परचेसिंग के डिसएडवांटेजेस होते हैं। इन द सेम वे जो डिसेंट्रलाइज परचेसिंग के जो एडवांटेज होते हैं वो सेंट्रलाइज परचेसिंग के डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ एडवांटेजेस पढ़ेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए कि डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो समझते हैं सबसे पहले मीनिंग समझने से पहले मैं ये समझा दूं कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है। परचेसिंग को अगर बाद में रखते हैं, सिर्फ सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई भी डिसीजन लेने की पावर किसी एक पर्सन या एक डिपार्टमेंट के पास होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। इन द सेम वे, जब डिसीजन लेने की पावर किसी एक पर्सन के पास नहीं होती, ग्रुप ऑफ पीपल या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के पास या बहुत सारे लोगों के पास मिलके होती है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। कहने का मतलब, अभी परचेसिंग की बात करें तो जब बिजनेस में सिर्फ एक पर्सन या सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होगा जो पूरे बिजनेस के लिए परचेसिंग कर लेगा तो वो हो जाएगा सेंट्रलाइज परचेसिंग। और अगर अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग पर्सन को अपॉइंट किया गया है कि आप अपने हिसाब से परचेसिंग करो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेसिंग करो, एक ही बिजनेस के अंदर अलग अलग लोग हैं जो परचेसिंग कर रहे हैं बिजनेस के बिहाफ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइज परचेसिंग। देखिए, दोनों के अपने अपने कुछ फायदे होते हैं। लेमेन टर्म्स में समझे तो सेंट्रलाइज परचेसिंग के फायदे होते हैं, बहुत सारा टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट बचता है। एक आप स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हायर कर सकते हो जो सारा का सारा सेंट्रलाइज परचेसिंग पूरी कंपनी या पूरे बिजनेस के लिए कर लेगा। तीसरा, हमको अच्छा तगड़ा डिस्काउंट भी मिलता है क्योंकि हम लोग बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ खरीद लेते हैं पूरे बिजनेस के लिए, तो उससे क्या होता है, अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है। चौथा, सीक्रेसी मेंटेन रहती है। अगर आपको किसी की पर्टिकुलर क्वालिटी की मेंटेन करनी है तो उसकी सीक्रेसी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। इन द सेम वे, अगर एक जैसी क्वालिटी मेंटेन करनी है तो उसके लिए भी सेंट्रलाइज परचेजिंग ही फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज के कुछ कुछ फायदे होते हैं। डिसेंट्रलाइज के क्या फायदे होते हैं, देखिए ऐसा है कि अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेसिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात में क्या डिमांड है वो दिल्ली में बैठे वाले इंसान को नहीं पता होगा। इन द सेम वे, जम्मू एंड कश्मीर में क्या डिमांड है वो दिल्ली में बैठे वाले सेंट्रलाइज परचेसिंग वाले को नहीं पता होगा। इन द सेम वे, बंगाल में अलग डिमांड होगी और साउथ में अलग डिमांड होगी। केरला में क्या चल रहा है वो सिर्फ केरला वाले लोकलाइज को ही पता होगा। तो ऐसे केस में जहां पे स्कैटर्ड बिजनेस है वहां पे अलग अलग लोगों को हायर करना ही पड़ता है लोकल परचेसिंग करने के लिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल परचेसिंग का फायदा मिलता है। दूसरा, हम लोग स्पेशलिस्ट अपॉइंट कर सकते हैं कि हाँ भाई, हर एक एरिया के हिसाब से स्पेशलिस्ट अपॉइंट कर दिया, वो अपने हिसाब से परचेसिंग कर लेगा। इन द सेम वे, कोई भी एक पर्सन एक्सपर्ट नहीं बनेगा, हम लोग लीडर्स को डेवलप करना चाहते हैं तभी भी डिसेंट्रलाइजेशन ही काम आता है। तो इस तरह से दोनों ही मेथड के कुछ अपने फायदे हैं, कुछ अपने नुकसान हैं। अब हम लोग समझते हैं कैसे इसको लिखना है। तो अभी आपको दिख रहा होगा सेंट्रलाइज परचेसिंग लिखा हुआ, व्हेन ऑल द परचेज ऑफ द बिजनेस आर मेड वन बाय वन पर्सन और वन डिपार्टमेंट। क्या सारा का सारा परचेस कौन कर रहा है, बाय वन पर्सन और वन डिपार्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज परचेसिंग, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। वैसे ही कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। पहला, स्पेशलाइज बायर को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, एक ही पर्सन जो स्पेशलाइज है वो सारा का सारा बाइंग कर लेगा पूरी कंपनी के बिहाफ पे। लार्ज डिस्काउंट मिलते हैं, मैंने आपको बताया, क्योंकि क्वांटिटी पूरे बिजनेस की परचेस एक ही जन कर रहा है या एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है तो बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ खरीद लेगा पूरे बिजनेस के लिए, तो उसको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तीसरा, दिस मेथड इज हेल्पफुल फॉर स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर एंड सिस्टम परचेसिंग। मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड, अगर आपको किस पर्टिकुलर क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है या स्टैंडर्डाइज प्रोसीजिंग, मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से ही परचेसिंग करनी है, तो भी ये मेथड काम की होती है। चौथा, सीक्रेसी मेंटेन रहती है। मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं, ऐसी चीज बनाते हैं जिसमें कुछ सीक्रेसी इन्वॉल्व है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइजेशन में ही हो सकता है। क्वालिटी ऑफ गुड्स मेंटेन रहती है, मैं आपको ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ। फटाफट डिसीजन ले सकते हैं, मैंने आपको बताया, टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट बचता है, वो एक क्विक डिसीजन हो जाते हैं। इट सेव्स मनी एंड एनर्जी, बहुत सारा मनी और एनर्जी बच जाता है। और लास्ट में, हम लोग अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम ईजी है, मैंने आपको समझा ही दिया था, लेकिन अब आपको मालूम पड़ गया होगा लिखना कैसे है। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। जब डिसीजन लेने की पावर
परचेजिंग रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर किसी एक पर्सन या एक डिपार्टमेंट के पास नहीं होती, अलग अलग पर्सन के पास स्कैटर्ड होती है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, वो लिखा हुआ है। व्हेन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी आर एम्पावर्ड टू मेक परचेजेस, अलग अलग डिपार्टमेंट जब परचेसेस करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिक्वायरमेंट, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड परचेसिंग। अब इसके भी कुछ अपने एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज ऑफ लोकल परचेसिंग, मैंने आपको बताया लोकल जो नीड्स होती है, लोकल जो रिक्वायरमेंट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड परचेसिंग से ही फुलफिल हो सकती है। दूसरा, लोकल परचेसिंग को पता होता है कि लोकल प्लांट कहां पे है, तो वो अच्छी डील भी क्रैक कर पाएगा। लोकल परचेसिंग एजेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन देमसेल्फ्स, इसकी वजह से क्या होता है लोकल परचेसर भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये सिर्फ एक लीडर की बात नहीं हो रही, अलग अलग फील्ड में अलग अलग लीडर्स डेवलप करने की बात हो रही है। सेपरेट परचेसिंग, अलग से परचेसिंग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। नो एक्सपर्ट, कोई अलग से एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सब अपने फील्ड के एक्सपर्ट ही होते हैं, तो अलग से किसी एक पर्सन को एक्सपर्ट जैसे हायर करने की जरूरत पड़ती नहीं है जो सब परचेस करे, क्योंकि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब अपनी अपनी परचेसिंग कर लेते हैं। आगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट रिड्यूस, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो बर्डन होता है वो किसी एक डिपार्टमेंट या टॉप मैनेजमेंट के ऊपर नहीं रहता, वो स्कैटर्ड हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन या एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता किसके ऊपर, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर। और लास्ट में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है वो भी कम हो जाता है, यहाँ से वहाँ गुड्स को भेजना नहीं पड़ता है। देखिए सेंट्रलाइज परचेसिंग में अगर हम लोग कुछ खरीदेंगे तो एक ही जगह पे आया हुआ है, दिल्ली में खरीदा है, समझ लो कि हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो सारा का सारा गुड्स कहाँ पे खरीदा है, दिल्ली में खरीदा है, फिर वहाँ से अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में भेजना पड़ेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होगा, वो अपने अपने एरिया के हिसाब से खरीद लेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाता है कहाँ पे, डिसेंट्रलाइजेशन में। तो आपको ये समझ में आ गया, एक का जो एडवांटेज होता है वो दूसरे का क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। तो ये समझ के अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक बहुत ईजी था और छोटा सा भी था, तो आपको समझ में आया ही होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके एग्जाम में काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो मेरे वीडियोस देख रहा है वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।